हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा सर दर्द हो रहा था, सोना सर को दवा रही है, देखिए ये सब काम खूब अच्छे से करवा लो। और आपको आवाज़ आ रही होगी, हमारे सामने या पीछे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, ये देखिए कहीं कुछ पाठ वगैरह हुआ है, गायत्री मंत्र या कुछ भी ऐसे ही कुछ हुआ है, देखिए आरती चल रही है। तो बस मैंने बोला लाइए वीडियो स्टार्ट कर देती, सर दबा रही, मैंने बोला सोना सर दबा दो, तो सर दबाने के लिए लग गई हैं। अब करते हैं काम, यहाँ पे मैंने सारा वो समेट दिया था, बिस्तर वगैरह। वंशिका ने 2-3 दिन से होमवर्क नहीं किया था, उनका बहुत सारा होमवर्क हो गया था, तो मैंने उनको बिठा दिया करने के लिए। सोना को भी उनके साथ ही कॉपी दे देती हूँ तो वो करती रहती है। और 3-4 दिन हो गए बारिश हो रही है, रोज़ ही ब्लॉग में बताती हूँ, तो इस वाले गेट से पानी आ जाता है, तो मेरे सारे रात को सो गए थे तो सारे कपड़े गीले हो गए हैं, इसीलिए गद्दा वगैरह सुखा रही हूँ, जहाँ जहाँ जगह दिख रही है। अभी तो बहुत तेज़ धूप निकली है, रात को दिल्ली वाले लोग हैं उनको पता होगा, रात में इतनी तंगड़ी बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। और आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दी हमारे यहाँ तो कितनी गर्मी है, तो ऐसे जगह जगह का वो होता है। और कल सिद्धार्थ शुक्ला जी नहीं रहे, देखा, यकीन नहीं हो मुझे, कुछ कमेंट आए तब मुझे पता चला। अब मैंने फिर न्यूज़ देखी, यकीन ही नहीं हो रहा है, दिल को एकदम से बेचैनी सी हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। वक्त का कोई पता नहीं, जैसे कि मैंने 2 दिन से आपको बता रही हूँ मेरे ससुराल में क्या हुआ है, बता ही रही हूँ आप लोगों को, तो ये सुन के और ज़्यादा वो हो गया है। भगवान के आगे हमारी नहीं चल सकती, जो भगवान करेगा वही होगा, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस वंशिका को होमवर्क करा दिया है, और वंशिका आजकल झूठ बोलने लगी, बोलती मैंने होमवर्क कर लिया, और बल्कि करती नहीं है। तो मैं इनको अपनी आंखों के सामने होमवर्क कराती हूँ और सारा करा के फिर देखती हूँ हाँ किया है या नहीं किया है, तब मैं इनके बैग में कॉपियाँ रखने देती हूँ। वही मुझे बता रही थी कि ऐसे मम्मी ये किया वैसे किया, तो बस ये देखने में लगी हुई थी। अब जाके खाना पीना में लगाऊंगी, बच्चों की ज़रूरी है, और अब स्कूल भी बड़े बड़े बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल नहीं खुले हैं, तो इसीलिए तो यहाँ पे से ये देखिए खाना खा के वहीं के वहीं बर्तन छोड़ देंगे, वहीं के वहीं सब कुछ कर देते बच्चे। कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। ये क्या है? लेटे हुए थे, लाइट चली गई है, 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। और आपको बताऊँ सोना क्या कह रही थी, सोना अब बताओ, वो पंख ला दो मुझे, सही से बोलो, पंख लाने के लिए उड़ती हूँ। पंख ला के फिर क्या करोगी? उड़ूंगी। अमेजोन चालू करके सोना बोल रही थी, वहाँ पे जो रिकॉर्डर होता है ना, उसमें हम बोल के कुछ भी टाइप हो जाता है, तो उसमें बोल रही थी कि वंशिका सोना है, उसमें बोली थी आंटी मुझे पंख ला दो मैं उड़ सकूं। उसमें मैं खाना बना रही थी, वंशिका ने बोला मम्मी देखना सोना क्या करनी है, और मोबाइल का नेट नहीं चालू था, तो उसमें वो वीडियो देखती रहती है, तो बोली आंटी मुझे पंख ला दो जो मैं उड़ सकूं। आजकल के बच्चे कितने वो हैं, तो वो मुझसे बोल रही थी मम्मी मुझे पंख मंगा दो जो मैं उड़ सकूं। है सोना? पंख हाथ धो रही है। हाथ धो रही है। पंख ला के कहाँ जाओगी? उड़ूंगी। कैसे उड़ोगी? एक कपड़ों के साथ। कपड़ों के साथ? दीदी कहाँ है? दीदी हाथ धुलवा रही है। हाँ धुलवा, देख के आओ जाओ। तो चलिए काम करते हैं, वैसे अभी का खाना पीना सारा हो गया है, सब्जी रखी थी मैंने, रोटियाँ सेक ली, बच्चों को दे दिया, दूध वगैरह दे दिया, बस टीवी देख रहे थे और वो चली गई, और मैंने कुछ और वो खोलने, अब मैंने कुछ सोचा है, वही रेसिपी शेयर करूँगी, जो ही रेसिपी मैं ज़्यादातर शेयर करूँगी, जो लोग मुझसे बोलेंगे उस कमेंट पे बहुत सारे लाइक होंगे, एक एक की करना तो बहुत वो हो जाएगा, तो जिस कमेंट मुझे कमेंट भी आए थे कि दीदी आप वही रेसिपी जल्दी से शेयर करना जिस कमेंट पे बहुत सारे लाइक हों, तो आप लोग मैं वही जल्दी से रेसिपी दिखाऊँगी जिस पर बहुत सारे लाइक होंगे, तो प्लीज़ ऐसा ही करिएगा।
देखा सोना ने कितनी बड़ी फरमाइश की, इसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता है सोना ने। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, एक हमारी यूपी की हैं वो बोल रही थी दी मीजा की रेसिपी शेयर करो, कब करोगे कब करोगे। तो अब मैंने यही सोचा है जिसके कमेंट पे ज़्यादा लाइक होंगे वही मैं रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोगों को तो सब पता ही है कैसे करना होता, बहुत कुछ रेसिपी के लिए जुटाना होता है। और रेसिपी में सब सारी ऐसा कोई वीडियो नहीं जाता जिसमें मैं रेसिपी शेयर ना करूं। ये देखिए मैंने बेसन लिया है, जितना बनाना उतना बेसन लेना होता है और उसको इस तरीके से करना जो उसकी गुठलियां सी बन जाए। किसी किसी को इसमें महक आती, पहले मैंने दो बार शेयर किया है तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें कच्चेपन की महक आती है। अगर आप इसे अच्छे से फ्राई कर लोगे ना तो महक नहीं आएगी। जब कोई सब्जी वगैरह ना समझ में आए तो ये बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और गांव सब में हमारी तरफ बहुत ज़्यादा बनता है ये। तो देखिए मैं ये आपको मोटी मोटी गुठली दिख रही होंगी ना, कोई बात नहीं, अभी देखिएगा इसको फ्राई करते करते ये छोटी छोटी हो जाएंगी और मुझे इतना ही बनाना, इतने में भी बहुत सारा हो जाएगा। दो जने हैं तो कितना, बच्चे लोग वो उनके लिए पराठे बना दिए थे, मैं अपने लिए इसके साथ मैं चावल बनाऊंगी। बस इसको भूंज लिया ना अच्छे से, आपकी सब्जी अच्छे से बनेगी और बेसन के कच्चे की महक नहीं आएगी। हम लोगों में बहुत मेरे वीडियो यूपी से बहुत सारे लोग देखते हैं तो इसलिए ये देखिए सारा बारीक हो गया ना मीजा, इसीलिए इसको मीजा कहते हैं क्योंकि ये बारीक बारीक बेसन के उससे बनता है, इसीलिए इसका नाम मीजा रखा है। कोई सब्जी नहीं हो तो बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। कढ़ाई में से उसी में से निकाल लिया है और उसी कढ़ाई में मैंने जीरा डाल दिया है और ये तीन मिर्ची साबित इसलिए डाली है क्योंकि इनको साबित मिर्ची निकाल के खाने में अच्छा लगता है। और प्याज को मैंने भूंजा नहीं, कच्चा ही कूट लिया है, उसी में मैंने लहसुन प्याज डाल दिया है, टमाटर नहीं डलेगा। और अच्छे से कलर आने के बाद इसमें मीजा डाल देंगे। ये देखिए जितना भी पानी तरी रखनी है वो हमारे ऊपर होती है कि हमें कितनी रखनी है। ये देखिए कितने बढ़िया से हमारा मसाला तैयार हो रहा है। बस इसको भूनने के बाद इसमें मीजा डाल देंगे और पानी अपने हिसाब से डालेंगे, चावल के साथ रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है ये देखिए, और हेल्दी भी होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है, कितनी अच्छा कलर निकल के आया है। आप लोग ट्राई करिएगा, जो लोग नहीं जानते हैं मैं एक दो कमेंट आते मेरी रेसिपी ना बहुत सारे यूट्यूबर भी ट्राई करते हैं तो अच्छा लगता है, तो आप लोग ट्राई करिए। बस उसको भूंजते टाइम उसको ध्यान रखिएगा, अच्छे से भून जाए, कच्चापन निकल जाए तब बनाइएगा। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ना लहसुन प्याज लेके आए थे तो मैं थैली को खोलना ही भूल गई थी तो वो ना महक आने लगी है अजीब सी। और आजकल ना रात को ये एक लहसुन की कली खा के सो जाते हैं, उससे जो गले में दिक्कत होती है या फिर सांस लेने वो ठीक हो जाती है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, जैसे होता है ना अभी जैसे इतनी सारी वो चल रही है तो रात में एक छोटी सी लहसुन खा के सोइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो बस वही साफ़ कर रही थी, एक दो लहसुन ख़राब हो गया था, एक दो प्याज, तो इसमें ना मतलब पूरी लकड़ी ना सील रही है, घुन लग गया है तो उसी की महक चढ़ जाती है। तो मैं जब भी मैं सोचती हूँ बीच बीच में इसको साफ़ करती रहा करूँ। और आजकल मुझे कमेंट आते दीदी आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को सौ के बाद में बाहर सो होते हैं पर अंदर बढ़ते रहते हैं, पर आपको सौ के बाद में दिखाई देते हैं। हाँ बढ़ते कम बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर, पर क्या कर सकते हैं, मैं तो देखिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाने की भी कोशिश करती हूँ। अब मेरी कोशिश मेरी मेहनत जब ही रंग लाएगी जब आप लोगों को अच्छी लगेगी। पता नहीं आप लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, अगर लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से करिए, शेयर करा करिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी और जब भी आपका सपोर्ट भी हो पाएगा। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ें। देखिए गांव तो रोज़ रोज़ जा नहीं पाएंगे क्योंकि देखिए बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का फ्यूचर है, उनको देखिए मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकती, तो बच्चे की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और अभी सोना की पढ़ाई तो स्टार्ट नहीं हुई है, वंशिका की पढ़ाई देखिए गाँव चले गए ना तो बहुत सारी पढ़ाई उसकी छूट गई थी, बहुत सारा होमवर्क उसको करना होता है। अगर गांव में इतने दिन रहना, उतने दिन हमने क्लास नहीं ली थी ऑनलाइन, तो होमवर्क बहुत सारा इकट्ठा हो गया था, तो गांव इतनी जल्दी जाना नहीं हो पाता, वैसे भी नहीं जा पाते थे। और फिर वहां पे भी हमारा ऐसे ही खर्चा, वहां पे जैसे यहां खर्चा होता वैसे ही वहां खर्चा होता, तो दो दो जगह का देखिए खर्चा नहीं निकल पाता, यहां का भी किराया इकट्ठा होता रहता, फिर गाँव में भी खर्चा, तो इतना नहीं हो पाता जल्दी जल्दी से।
तो ये देखिए मैंने सारे कपड़े सुखाए थे ना, वो सारे उठा के रख दी, पूरा मतलब ग्रिल था सारे भर गए थे, एकदम से भर गए। तो सब समेट रही हूँ, दरी को यहाँ सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो मैं ये चाहती हूँ और की तरह मैं भी आगे बढ़ूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगी, मेरे जल्दी जल्दी मुझे भी शौक़ कंप्लीट हो पाएंगे क्या, देखते हैं भैया रानी क्या चाहती हैं। पर आप लोगों के ही कमेंट आते हैं इसीलिए मैंने ये बात रखी है। यहाँ पे खीरा काट रही हूँ, ये कड़वा होता है ना, तो इसीलिए मैं वीडियो में देखिए जो भी हो सकता है रेसिपी पूरा काम दिखाती हूँ। जो वीडियो वायरल होती है वो वीडियो उस तरीके से बनाती हूँ, मेकअप लुक करती हूँ, मतलब सब कुछ करती हूँ मैं। जितना करने के मुझे मेरे हस्बैंड इजाज़त देते उतना करती हूँ। जो रेगुलर काम है, रेसिपी है, मेकअप है, वो सब और उससे ज़्यादा मैं यही होते हैं ब्लॉगर और ब्लॉगर दिखाते वही मैं दिखाती हूँ। तो कल थोड़ा सा लगा पर कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरी सादा सिंपल से वीडियो हैं, सादा सिंपल सी रेसिपी हैं, कोई तामझाम वाली रेसिपी मैं शेयर नहीं करती हूँ जो बाहर से ये लेके आओ वो लेके आओ, नहीं। जो घर में चीज़ें होती है उन्हीं से मैं रेसिपी बनाती हूँ। ज़्यादातर हाउसवाइफ ना जो घर में चीज़ें होती हैं वही उसी से रेसिपी बनाती हैं, और बाहर से इतनी सारी खर्चा करके नहीं हो पाता है, इतना नहीं रेसिपी बन पाती है। मैं अपने से ही सोच के चलती हूँ। तो इसमें नींबू डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और ये देखिए मैं तो फोन तुम्हें करे जा रही थी तुमने उठाया ही नहीं। पर मैंने तो फोन की थी इसीलिए, सुबह से इतनी तंगड़ी वाली बारिश हो रही है, लौट के आया हूँ, सारे गीले हो गए। चलो चाय बना दे, और सुबह का ही टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं और सुबह से इतनी तंगड़ी वाली बारिश हो रही है। नमस्ते कर रही हूँ सोना। नमस्ते बेटा। तो सोना बंसिका ने नमस्ते दे कर लिए और उन्होंने ले लिए। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, अगले वीडियो में